जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि 40,889 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आप सभी को पूरी डिटेल उस नोटिफिकेशन की दे चुका हूँ। तो आपने अब तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, कौन सी स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है और कौन सी भाषा का आपको होना चाहिए जहां से आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पूरी डिटेल आप सभी को क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी स्टेट के लिए वैकेंसी है, कौन सी स्टेट के लिए वैकेंसी नहीं है और कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल यहां पे जो डिटेल है वो भी जारी कर दी गई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी पूरी भर्ती तक हर एक प्रोसेस में हर एक जगह आपको हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब चलते हैं आपके नोटिस की तरफ और आप सभी की नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में पूरी चीजें क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे आपको बता दें कि 40,889 टोटल यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि पहली जो भर्ती निकाली गई थी वो 38,926 पदों पे निकाली गई थी, तो इस बार लगभग 2,000 पद यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बात कर लेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन था कि हमारे स्टेट की वैकेंसी है या नहीं, तो सभी स्टेट की यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है और स्टेट वाइज वैकेंसी भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि 34 स्टेट में ये वैकेंसी निकाली गई है। पहले स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2,480 वैकेंसी निकाली गई है। असम की अगर बात करें तो 355 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको आसमी आना चाहिए, साथ ही में आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु आना चाहिए। असम के लिए दूसरी वैकेंसी देख सकते हैं जो कि बंगाली और बंगला आपको आना चाहिए, जिसके लिए 36 वैकेंसी निकाली गई है। फिर यहाँ पे असम के लिए बोडो में भी निकाली गई है कि अगर आपको बोडो भाषा आती है तो टोटल यहाँ पे 16 वैकेंसी निकाली गई है। फिर आपकी आती है बिहार की बात, तो बिहार में आपको हिंदी आनी चाहिए, जिसके लिए 1461 वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी आपको आनी चाहिए, 1593 वैकेंसी निकाली गई है। और दिल्ली के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए, जिसके लिए टोटल 46 वैकेंसी निकाली गई है। गुजरात के लिए गुजराती आपको आनी चाहिए, जिसके लिए 2017 वैकेंसी निकाली गई है। हरियाणा के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए, जिसके लिए 354 वैकेंसी निकाली गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए, जिसके लिए 603 वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप जम्मू कश्मीर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हिंदी और उर्दू आपको आना चाहिए, 300 वैकेंसी यहाँ के लिए निकाली गई है। झारखंड के लिए हिंदी आपको आनी चाहिए, 1590 वैकेंसी निकाली गई है। कर्नाटका के लिए कन्नड़ आपको आनी चाहिए, जिसके लिए 3036 वैकेंसी निकाली गई है। केरला के लिए मलयालम आपको आना चाहिए, जिसके लिए 2462 वैकेंसी है। और मध्य प्रदेश के लिए आपको हिंदी आना चाहिए, जिसके लिए 1841 वैकेंसी निकाली गई है। महाराष्ट्र के लिए कोंकणी और मराठी आपको आना चाहिए, जिसके लिए 94 वैकेंसी। और महाराष्ट्र के लिए केवल मराठी के लिए अगर बात करें तो 2414 वैकेंसी निकाली गई है। नॉर्थ ईस्टर्न के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बंगाली के लिए निकाली गई है टोटल 201 वैकेंसी। और हिंदी और इंग्लिश के लिए टोटल यहाँ पर निकाली गई है 395 वैकेंसी। वहीं पे अगर आपको मणिपुरी और इंग्लिश आती है तो यहाँ पे 209 वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही में अगर आपको मीजो आती है तो 118 वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप उड़ीसा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उड़िया आपको आनी चाहिए, जिसके लिए 1382 वैकेंसी निकाली गई है। और पंजाब के लिए हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे रखा गया है, जिसके लिए 6 वैकेंसी निकाली गई है। और पंजाब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पंजाबी लैंग्वेज में तो 760 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान के लिए हिंदी आपको आनी चाहिए, जिसके लिए 1684 वैकेंसी निकाली गई है। तमिलनाडु के लिए तमिल आपको आना चाहिए, जिसके लिए 3167 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं पर तेलंगाना के लिए तेलुगु आपको आना चाहिए, जिसके लिए 1266 वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी उत्तर प्रदेश, जिसमें हिंदी आपको आनी चाहिए और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 8,000 यानी कि 7,987 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो हिंदी राष्ट्र के लिए, हिंदी राज्य के लिए सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें लगभग 7,987 वैकेंसी निकाली गई है। उत्तराखंड में हिंदी आपको आनी चाहिए, 889 वैकेंसी निकाली गई है। वेस्ट बंगाल में बंगाली आपको आनी चाहिए, जिसके लिए 2001 वैकेंसी निकाली गई है। अगर वेस्ट बंगाल में अप्लाई करते हैं और हिंदी और इंग्लिश आती है तो 29 वैकेंसी निकाली गई है। और नेपाली अगर आपको आती है तो टोटल 54 वैकेंसी निकाली गई है। और वेस्ट बंगाल में नेपाली और बंगाली दोनों आती हैं तो 19 वैकेंसी निकाली गई है। और नेपाली और इंग्लिश आती है तो आपको टोटल 24 वैकेंसी निकाली गई है। इस तरीके से टोटल 40,889 पदों पर ये भर्ती होनी है, जिसके लिए कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल, OBC, SC, ST, EWS, PWD, तो ये पूरी डिटेल आप सभी को दी गई है। अगर आप इस नोटिस को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये वैकेंसी का डिटेल आप सभी को मिले, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां पे मैं आप सभी को ये
प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप मुझे जाकर मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज में आप सभी को इस पीडीएफ को भेज दूंगा, तो आप सभी लोग अपने स्टेट की वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से जाके आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।